गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज क्या हुआ भाई, मेरे स्कूटर में थोड़ी दिक्कत आ गई है। जैसे उसमें गियर लगा रहा हूँ ना, फ्लैश आ रहा ना, ऐसे ही उसमें जैसे मैं गियर लगाने लग रहा हूँ तो गियर तो लग रहे हैं, और जैसे मैं क्लच खींच के अंदर से स्टॉप करते हैं ना वो स्टॉप नहीं हो रहा। आई थिंक उसका कुछ दिक्कत आ गया, प्रॉब्लम आ गया। उसके दोनों ब्रेक भी चले गए हैं और काफ़ी टाइम से वो खड़ा है। सो आज मैं उसको लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरे को तो उसका काम आता नहीं भाई, क्योंकि स्कूटर एक ऐसी चीज़ है बुलेट की तरह है वो, अगर आप उसकी सेटिंग आती है आपको ठीक करनी है, इसकी भी सेटिंग होती है। तो जॉक स्पॉट, इसकी अगर सेटिंग ख़राब कर दी आपने तो अगर आपको आती तो आप ठीक कर सकते हो, अगर नहीं आती तो आप और बिगाड़ दोगे। फिर उसके लिए क्या है, आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। सबसे बढ़िया क्या, डॉक्टर के पास ही चलेंगे, वही ठीक करेंगे। मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अरे चलते हो, कंडीशन कैसी, क्या स्कूटर कहाँ खड़ा है। वैसे खड़ा तो मैंने बाहर कर दिया था साफ़ वगैरह करके, तब यह कि इसको लेके जाएंगे ठीक कराएंगे अंकल के पास। खड़ा है पहले, सबसे पहले तो ये देखना कि स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। और ऐसे तो वर्किंग है इसकी, क्लच प्लेट्स वगैरह ऐसे वर्किंग है, सही वर्क कर रहा है, पर गियर भी लग रहे हैं, पर ये स्टॉप हो रहा है, और इसके दोनों ब्रेक भी ख़त्म हो गए, बैरिंग भी आने, सब करा के लाऊंगा आज। मैं तो धक्का मार के लाया, स्टार्ट हुआ नहीं था, अंकल जी के पास ले। अंकल जी बोले क्या हो गया इसमें, तो बोला अंकल जी अब आप देखो, डॉक्टर आप हो मैं नहीं हूँ। तो अंकल जी देखेगा, अंकल जी पहले इसको स्टार्ट करेंगे। अंकल जी मैंने इसमें ना वो प्लग नया लगा दिया था, पहले चालू था, फिर अब ये हफ्ता भर से खड़ा रहा है ना तो स्टार्ट नहीं हो रहा। अंकल जी कह रहे देखते हैं, अब अंकल जी देखेंगे, क्योंकि चौक इसका ख़राब है, कर रहे हैं प्रोसेस चालू कर दिया, प्लग खोल दिया, और अब इसको पहले देखेंगे भाई प्लग इसका क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्ट, जब मैंने इसका बताया कि स्टार्ट कैसे होगा, कोल्ड स्टार्ट, ठीक है प्लग। पेट्रोल ही पेट्रोल भर रहा है, पेट्रोल आ रहा है तो शॉर्ट हो गया होगा भाई, पेट्रोल भरा पड़ा है इसमें, इतना पक्का जितना पेट्रोल लिया। और तो इधर पेट्रोल कैसे आ गया, ये ख़राब है। अंकल जी कह रहे हैं कि जो करंट होता है ना, इतनी दूर से अगर करंट आएगा तो होगी ठीक, पास में आ रहा है तो करंट आ रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये बड़ा यार जल्द मत करना कैमरा, क्योंकि एक हाथ से कर रहा हूँ, ये देखो करंट आ रहा है, और इतनी दूर से अगर करेंगे ना, ये देखो यहाँ से करंट आ रहा है, पर यहाँ से करंट नहीं आ रहा। तो अंकल जी कह रहे हैं इसमें इंस्ट्रक्टर लगा देंगे, तो दोनों कोयल जो होती हैं वो चलेगी और सालों साल कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब वो इंस्ट्रक्टर लगवा दूंगा मैं इसमें। आपको भी कैसे लगता है, आप एक अभी ब्लॉग बना रही है, ठीक है, ब्लॉग की तरह मैंने चालू करा है कि यार आप लोगों को बहुत वीडियोज़ दिखा दी, अभी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं थोड़ी, पर आपको भी पता लगेगा कि हाँ यार कुछ चीज़ें हैं, मैं भी ज़्यादा दिखूँगा अब। फिर कई कमेंट्स आते हैं बस कि भाई आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वीडियो दिखा रहे हो, आप खुद नहीं दिखते। तो भाई मैं आ गया आपकी, यार मैं ब्लॉगिंग की तरह ही शूट करूँगा और सब दिखाऊंगा आपको इसमें। अरे अगर छोटी होगी तो एडजस्ट कर लेना, पर एक ही पार्ट में मैं सब दिखा दूंगा आपको। पहले वो चीज़ आई थी, फिर ये जुगाड़ आया था, ये इंस्ट्रक्टर होता है, इसी में दोनों कॉइल होती हैं, और ये ख़राब नहीं होता है ना अंकल जी, नहीं ख़राब नहीं, ये ख़राब नहीं होता। तो इसके दोनों बोल्ट ओपन हो गए हैं, अगर दोनों कॉइल अटके कि कॉइल लग जाएगी, क्योंकि वो नीचे वाली जो ठीक थी पर ऊपर वाली ख़राब हो गई थी, तो बोल्ट्स निकल गए। किसमें अर्थिंग की वायर भी होती है, वो पीछे लगती है, अभी सारी निकल के ताम झाम निकल के एक के कोयल लगेगी, सब हो जाएगा। सिंपल सी सॉल्यूशन है भाई, अगर आपको ही कराना है तो अंकल जी के पास आ जाना। अंकल जी भाई जैसे मैं बता रहा था, एक इंस्ट्रक्टर लग गया, ये जो पीछे कोयल है वो उसमें लग जाएगी और ये होगी चीज़ फिट। ये के पीछे अर्थिंग की वायर बता रहा था ना मैं, वो और ये, अब ये वाला जुगाड़ था तो मैंने लगा रखा था ये, इसमें एक कोयल है, दूसरी कोयल है, ये सब टेप से बांध रखी थी, पहले ही आती थी, अब वो हो गया, अब वो चीज़ होगी ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं होने की। ये वाली जो वायर है ये इसके पीछे लगेगी, यहाँ पे लगती है वायर, ये इसके नहीं, पीछे नहीं लगेगी ये वो वाली पीछे वायर, ये हाँ जी नहीं। वो नहीं लगेगी, अच्छा काम है नहीं है, है? काम है इसका या नहीं है, या अच्छा इसका काम ही नहीं है इसमें, काम वैसे ही है ना जो। अच्छा अच्छा, तो भाई अंकल जी कह रहे हैं उसके वायर का कोई काम नहीं है, जो भी सब इसके अंदर से ही है, टूट गई इसमें से, देख रहे हो वायर जो है वो टूट गई, और अब इसमें जुगाड़ होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सारी वायरिंग्स है, और
ये जब जुड़ेगी तभी करंट आएगा, करंट आने लेने लग रहा क्योंकि इसमें आ गया। और भाई स्कूटर में से बहुत चीजें निकली है, ये ओवर पेट्रोल है। ओवर पेट्रोल अंकल जी, पेट्रोल है नहीं ये? हाँ पेट्रोल है, ये पेट्रोल है भाई। वायर टूट गई थी, सिर्फ दो वायर जो होती है ना पूरी वायर उसके सिर्फ दो जो होते हैं वायर्स वो लगे हुए थे, तो अब इसके नीचे से बोल्ट ओपन के क्लच निकल गया बाहर। और ये देखो जो है ना ये सिर्फ पूरी एक वायर होती है, उसके जो राउंड राउंड करके कई सारी वायर्स आती है ना मजबूत करती है, तो उसमें सिर्फ एक ही वायर लगी हुई थी, ये दो वायर्स ही लगी हुई थी, बाकी सब टूट गया था। और अब इसको क्लीन करके इसके अंदर न्यू वायर डलेगी और जो वायर आएगी वो यहाँ तक आएगी। ये जो आउटर दिख रहा है ना खाली वाला, इधर ये वाला इससे वायर निकल के यहाँ पे टाइट होगी। ये पूरी वायर होती है ठीक है, यहाँ से जाएगी, इसके अंदर एक आउटर्स होते हैं इसके बाहर के शेल्स उसमें से, और अब ये यहाँ से जाएगी जैसे ही, ये एक पॉइंट है इसमें। बेटा इसमें लाइट दिखा लो अंकल जी, देखिए पॉइंट है भाई, दिख रही है अंकल जी? और दिखाऊं? देखते ना दिख रही है, यहाँ से एक छेद नजर आ रहा होगा। हाँ अंकल जी साफ करना पड़ेगा, थोड़ा ग्रीस ज़्यादा लगा हुआ है। ऐसी वायर होती है जो दिखा रहा था इस, ये वायर से ना मल्टी में, ये देखो जैसे दो वायर से टुकी हुई थी, छोटे छोटे वायर से ना इसके दो पर रुकी हुई थी ये, और अब ये यहाँ से अंदर डाली है। अब ये हेडलाइट ओपन हो गए, वायर जा नहीं रही, ग्रीस वगैरह अप्लाई हो गए, वे अंदर जाएगी। इसके अंदर छोटा सा पॉइंट होता है, छोटा सा आपको दिखेगा नहीं ठीक है, वो होता है। एक बार कोशिश करता हूँ दिखाने की आप लोगों को, अगर दिखेगा तो भाई कैमरा फोकस नहीं ले रहा, वरना आप लोगों को पक्का दिखाता मैं। इसके अंदर एक पॉइंट होता है ठीक है, वो दिख नहीं रहा, तो उसके बाद ये वायर पीछे जाएगी। वो लाइट ओपन कर दी, लाइट से दो बोल्ट ओपन होने हैं, उसमें से फिर अभी वायर निकलनी है, वायर निकल के बाकी हो जाएगा। यहाँ से एक बोल्ट ओपन होता है ये रहा ना, ये देख रहे हो, ये ओपन करके ये मीटर बाहर आ गया। अरे यार फोकस तो ले थोड़ा, हाँ मीटर बाहर आ गया। अब ये जो आउटर है ना ऐसा होता है, ये ख़राब हो रहा है, तो अब इसमें कुछ करेंगे तकरीब उतना ही, कहते हैं नया आउटर डलेगा और या फिर इसी में काम चलेगा। और ये वायर यहाँ से निकल के आ गया, तो दिखा रहा था ना, यहाँ से एक छेद है, यहाँ से वो यहाँ से ऐसे करके आउटर है, और इसकी वायर ही नहीं लगी हुई, तो ये चलेगा कैसे? अब देखते हैं गाड़ी चलती है नहीं चलती। ये टायर घुमा दिया भाई, ये चल ही नहीं रही है, यानी कि गरारी अंदर की ख़राब है, वो भी ठीक करानी पड़ेगी। ये देखो बिल्कुल भी नहीं चल रही और टायर घूमने लग रहा है, ये फोकस नहीं ले रहा है। एक मिनट में से कैमरा साफ करो। आउटर ले आया, नया आउटर पड़ा, इतना लंबा आउटर होता है, आज से पीछे तक जाएगा क्योंकि ये वो वाला ख़राब हो गया है, और तब ये नया वाला आउटर अंकल जी डाल देंगे, फिर चल जाएगा काम। पहला ही बदला है ये भी भाई, ये पहला आउटर बदला है, ये ऐसा हो गया, ऐसे आते थे ऐसा हो गया। वायर लगा के बोल्ट टाइट करना, बोल्ट टाइट करके पीछे वायर आएगी, ये आउटर डल के फिर वो पीछे से टाइट होगा। जुगाड़बाजी, ये लो अंकल जी ने जुगाड़बाजी चालू कर दी, ये इसमें लगा दिया, अब इसको कुछ टाइट वीट कर देंगे, अभी टेप वगैरह लगा देंगे, ऐसे टाइट हो जाएगा ये। हेलो भाई, भाई अंकल जी ने टाइट कर दिया ये, और अब ये खींच लेंगे तो ये हो गया टाइट। अब इसको खींचेंगे उसके साथ, अभी अंकल जी ने कर दिया ऐसे, अभी यहाँ से खींचना जैसे चालू करेंगे वो बाहर आने लग जाएगा। अभी यहाँ से अंकल जी पुल आउट करने लग जाएंगे इसको, ये यहाँ से आने लग जा। मैं खींचूँ अंकल जी, ऊपर से डाल जा, लाओ भाई लाओ भाई, ये यहाँ से धक्का देना। अब यहाँ से धक्का देते ये देखो जाने लग गया, और वो अंकल जी वहाँ से खींचने लग रहे हैं। रुको अंकल जी, यहाँ से थोड़ा टाइट हो रहा है ये, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अरे आ गया बाहर, ये देखो भाई मिशन आ चुका, देखो बाहर आ गया, ये देखो ये निकल भी गया और वो बाहर भी आ गया है। इसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी, आउटर की ख़त्म हो चुका था पूरा,
अरे बाहर आ गया। अब ये यहाँ पे लगेगा नीचे और फिर ये हो जाएगा सेट। क्लच हो चुका है मक्खन पूरा और ये यहाँ पे टाइट हुआ भाई। देखो ये दिख रहा है ना वायर न्यू, ऐसे निकल के टाइट हो गया, ये मामला होगा फिर क्लच हो गया रेडी हमारा। पिन ओपन हो गया, पिन ओपन होने के बाद ड्रम बाहर आ जाएगा है ना जी। फिर इसकी जो ब्रेक की सफाई है वो भी हो जाएगी भाई, बहुत टाइम हो गया ब्रेक की सफाई हुए भी। कुछ ऐसी कंडीशन से ब्रेक की रेत देख लो भाई कितना है, सफाई नहीं हो रखी। साफ है ना, ये देखो भाई कितना गंद है। ब्रेक कहाँ से? ब्रेक सही है अंकल जी? हैं? ब्रेक सही है? सही है बेटा भाई, ब्रेक बिल्कुल सही है, सफाई नहीं हो रखी अंकल जी ने। हाथ से भी देखो कलर्स लगा के दिखा दी कितनी, कितना गंद हो रखा है, इसलिए थोड़े ब्रेकिंग काम नहीं कर रही भाई। क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है, क्लॉथ से साफ करने का तब ये रैक मार्क लग जाएगा, इससे वही ग्रिप्स वापस आ जाएगी। पीछे का टायर अगर अंकल जी ने वापस लगा दिया, कार बना रखा था और अब अंकल जी ने आगे की प्रोसेस चालू कर दिए, बोल्ट खोल दिया। अंकल जी मैंने ना 1.5-2 साल पहले है ना, जब आपकी दुकान यहाँ पे शिफ्ट नहीं थी तो मैंने एक जगह ना ये वो कराया था, इसका क्या कहते हैं आगे गुल्ली कुछ की होती है रबड़ की, वो टलवाई थी और जब से फिर वायरिंग बोल रहे थे उन्होंने। बेटे पानी गया है, गिरी से ना ये जो ऐसी होगी। हाँ जब पानी गया इसमें भाई, अंकल जी कह रहे हैं पानी गया है इसमें। अंकल जी ये पूरा ही खुलेगा ना? सारा ये सारा खुलेगा और फिर इसमें डलेगी चीज़ें। तो कल इसमें पानी कैसे कैसे चला गया? हाँ हाँ मशीन होती है ग्रीसिंग करने के लिए। हाँ हाँ भाई ये बोल्ट ओपन करने जितने भी सारे ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं इतने नट्स है, ये वाले नट ओपन करने हैं भाई, ये वाले मत करना वो खुलेंगे भी। इतने बोल्ट से सारे ओपन करने हैं, फिर टायर बाहर आएगा, टायर बाहर आके फिर इसमें बैरिंग्स डालेंगे। टायर निकल के बाहर आ गया है और अब ये फिर से वही पिन ओपन होएगी, पिन ओपन होने के बाद ड्रम बाहर आएगा, ड्रम बाहर आने के बाद इसके जो बैरिंग है वो ड्रम बाहर नहीं लेके आएंगे। ड्रम बाहर नहीं आएगा अंकल जी? एक्चुअली आ जाएगा जी, कह रहे अक्सर ऐसे ही आ जाएगा। देख लो भाई ऐसे होता है कुछ, ये जुगाड़ होता है इसका और एक शॉकर है इनमें, तीन में से ये वाला शॉकर है ठीक है, बाकी जो ऐसे ही है और अंदर इधर रखा है। अब इसका पेंट करूँगा कुछ टाइम बाद, इसमें एक्सल बाहर आएगा, अंदर भी मारेंगे और ऐसे एक्सल बाहर आ जाएगा। इसे कुछ बोल्ट्स वगैरह अंकल जी ने ओपन कर दिए थे, बोल्ट्स ओपन होने के बाद अब वो बाहर आएगा। देखो बाहर आ गया ना, ये होती है चीज। बाहर आ गया और अब इसमें चीजें लग जाएंगी। ये बैरिंग अंकल जी है सील है? सील है जी। ये भाई ये सील है, पीछे है बैरिंग, इसके पीछे बैरिंग है, इसमें पानी जा रखा है। ये देखो बाहर आ गया ना, इनका बैरिंग पूरा खत्म है, किचड़ पूरी किचड़,
खत्म हो चुका है लोक है जो निकला, कुछ पेज वगैरह से लग के निकलता है और अब ये बैरिंग को आएगा बाहर, ये निकल के बैरिंग एक बाहर वो गिरा और एक अंकल इधर से मारेंगे तब एक इधर से गिरेगा। ये देखना ये आ रहा है, ये देखो ये गिर गया, खत्म हो रखा है बैरिंग पूरा चढ़ की चढ़। अभी पूरा क्लीन हो गए ये और फिर इसमें नए बैरिंग डाल जाएंगे, ये बैरिंग पूरे ख़त्म है। ये देखो पूरी कीचड़ निकल के आई है बाहर, अगर क्लोथ से साफ हो जाएगा पूरा, क्योंकि कई बार क्या है ना इसमें वाटर वगैरह चला जाता है कीचड़ बन जाती है। देखो पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया, देखो गाइस ख़त्म है पूरा मामला। आज साफ होने के बाद अब अंकल जी ने लगा दिया दूसरी बार ये नया वायरिंग, वह फिट हो जाएगा ग्रीस लगने के बाद, लग गया अभी इधर लग जाएगा और ये हो जाएगा फिट। गया बड़े प्यार से वायरिंग अंदर, इसका लॉक लग जाएगा, लॉक लगने के बाद मामला हो जाएगा फिट। अब इसमें लग जाएगा ये लॉक, लॉक लगने के बाद हो जाएगा दोबारा फिट। इधर का बैरिंग हो गया सेट, फिर अब उधर का बैरिंग लगेगा, दोनों चीज़ें हो जाएगी। अब इसकी जो सील है ये लग जाएगी दोबारा साफ हो के, इसकी सील सही है और सील लगने के बाद ये सब होगा पैक, फिर सेम पोर्शन में उधर ये सेम थिंग वहाँ पे हो जाएगी और फिर चीज़ हो जाएगी फिट। अब कह रहा था मैं वो भी डलवाने लग रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया डलवाए हुए, अंकल जी बोला अंकल जी पड़े हैं तो डाल दो, ये वह था उतारने चढ़ाने में नीचे का ब्रेक नहीं ऊपर के ब्रेक के काम आते हैं, तो वो ब्रेक भी लगवा रहा हूँ, उसके बाद टोटली फिट हो गया स्कूटर, बस फिर उसको चलाओ मज़े में, कोई दिक्कत नहीं है। फट हो गया वो एलएमएल के स्कूटर के ब्रेक थे जो मिले थे हमें अंकल जी ने अभी देखे, तो अब इसको बाद में डलवाऊँगा, अभी हमने वो साफ़ कर दी थी जो वो ऐसे छोड़ देंगे, जब ब्रेक आ देंगे तो मैं डलवा के ले जाऊँगा अंकल जी से। ये बॉक्स में ग्रीस फील होगी है, अब ये यहाँ पे लग जाएगा और ये हो जाएगा टाइट, एक बैरिंग उधर लग गया एक बैरिंग इधर लग गया और मामला हो गया फिट। जैसे जैसे ओपन करा था वैसे वैसे अब इसको टाइट करते जाएंगे, जैसे बोल्ट लग गया ये हमारा है गरारी का। अंकल जी गरारी देख लो, इसी गरारी सही है, गरारी है नहीं चाहे ही नहीं तो भाई गरारी है नहीं, अंकल जी डाल देंगे बाद में, अभी होगी नहीं। अरे ऐसे फिट हो गया, अब इसमें टायर लग जाएगा और मामला हो गया फिट। भाई मैट भी लगा दिया अंकल जी ने, अभी व्हील टाइट होने के बाद सब फिट हो जाएगा
और फिर स्कूटर होगा हमारा रेडी। घर पे आ चुका हूँ तो सबसे पहले बता देता हूँ खर्चा। खर्चा टोटल मेरा आया था फ्रंट का जो ब्रेक वगैरह जो था, ब्रेक तो चलो हटाए दो आप, ब्रेक हटा के आपका जो बैरिंग था वो और उसकी लेबर मिला के 450 रुपये आगे के। पीछे की जो कोयल थी, जो मेरी मल्टी कोयल थी, वो 450 रुपये की थी। 200 रुपये का मेरा कुछ एक काम था, मैं भूल, हाँ वायर और आउटर का था, और 50 रुपये मेरे ब्रेक की सफाई थी, यानी 1150 थे, मैंने 1100 रुपये में सारी डील कर दी थी। आपको जाना तो मैं नंबर अंकल जी का और नाम मैं कमेंट में डाल दूंगा, बिल्कुल जाना, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करते। देखो मेरा कुछ 2000 का काम था, उन्होंने मेरे पैसे भी बचाए हैं क्योंकि ब्रेक्स वगैरह जो पहले के थे वो भी ठीक करे हैं और वायरिंग वगैरह भी थी। काफ़ी काम अभी रह रहा है उसका, जो एक वायरिंग है, वायरिंग कह रहा हूँ मैं, जो मीटर की जो लाइट है ना वो, उसकी गरारी, और जो एक लाइट्स ऑन ऑफ करने का स्विच है वो सेट, वो रह रहा है अभी। और एक सामने की एक कैप रह रही है, वो अंकल जी कह रहे हैं मैं ला दूंगा, लगा दूंगा, तो आएगा तो वो लगा देंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। यार इंस्टा पे फॉलो कर दो और आईडी मेंशन कर रखे मैंने डिस्क्रिप्शन में। टिल देन बाय बाय।